सोमवार रात को कामाख्या आनंद विहार एक्सप्रेस के एनजीपी स्टेशन में घुसते समय ट्रेन में फायरिंग की घटना को लेकर जीआरपी अभी भी अंधेरे में है। इस घटना में संजय सिंह परमार नामक एक पूर्व सैनिक की मौत हो गई थी। मृतक मध्य प्रदेश के ग्वालियर का रहने वाला बताया जा रहा है। वह व्यक्ति ट्रेन के अनारक्षित द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में थे। उसके शव के पास से एक पिस्टल भी बरामद हुआ है। जीआरपी को पता चला है कि पिस्टल संजय सिंह परमार का है। हालांकि पुलिस का मानना है कि आत्महत्या की कोई घटना नहीं हुई थी। एनजीपी जीआरपी ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। इधर उस व्यक्ति के साथ कमरे में कौन लोग थे उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि व्यक्ति नशे की हालत में ट्रेन में चढ़ा था। वह ऊपर की बर्थ में बैठा था, वहां किसी को बैठने भी नहीं दे रहा था। वहीं वह यात्रियों के साथ झमेला भी कर रहा था। इसके बाद उन्होंने पिस्टल निकालकर 3 राउंड फायरिंग कर दी। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि व्यक्ति ने खुद को गोली मारी है या बोगी में किसी के साथ विवाद हुआ था। दूसरी तरफ मंगलवार को उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। वहीं व्यक्ति के परिवार को सूचित कर दिया गया है। जिस कमरे में घटना हुई है उसे अलग रखा गया है। फॉरेंसिक टीम को भी सूचना दे दी गई है। गोली का आवाज हमको सुनाई दिया, बाकी हमको कुछ सुनाई नहीं दिया। क्या हो गया उधर, कौन मारा नहीं, जितना हम लोग को आवाज़ तो सुनाई दिया कि कोई फायर हो गया, फायर हो गया। बाकी वही 3 शायद पहले एक चला, इसके बाद 3-4 शायद ये मालूम नहीं कितना जन लड़ गया। वो 3-4 गोली बाद हमको सुनाई दिया है।